ये फिल्म KGF के दो पार्ट अब रिलीज हो चुके हैं, जिसे दर्शकों का खूब प्यार भी मिला। साल 2018 में पहला पार्ट आया था और इसके बाद चैप्टर 2 का भी इंतजार था और ये इंतजार 14 अप्रैल 2022 को खत्म हो गया। इसी दिन मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई थी, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। यश श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और संजय दत्त ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। इस फिल्म ने 1200 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। वहीं फैंस के बीच KGF चैप्टर 3 की डिमांड भी होने लगी है, जिस पर समय समय पर अपडेट आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं KGF चैप्टर 3 से जुड़ी नई जानकारी। KGF चैप्टर 2 जैसे ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, उसके कुछ समय बाद ही ट्विटर पर हैशटैग चैप्टर 3 ट्रेंड होने लगा था, जिसे साफ है कि दर्शकों को इस फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच खबर आई थी कि KGF चैप्टर 3 की शूटिंग साल 2022 के अक्टूबर महीने में शुरू हो जाएगी और साल 2024 में ये सिनेमा घरों में भी आ जाएगी। कई रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि भी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये जानकारी अब मेकर्स की तरफ से ही दे दी गई है। दरअसल KGF के निदेशक प्रशांत नीरी प्रभास की फिल्म सालार को डायरेक्ट कर रहे हैं। दावा है कि प्रशांत नीरी फिल्म सालार की शूटिंग में बिजी है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और फिल्म की शूटिंग का 30-35% हिस्सा शूट हो चुका है। इसी वजह से अभी प्रशांत नीरी KGF चैप्टर 3 को शुरू करने वाले नहीं है। इसके अलावा मेकर्स ने भी फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी, यानी दर्शकों को अभी फिल्म के लिए लंबा इंतजार करना होगा। तीसरे पार्ट्स में चलिए जानते हैं किन की एंट्री हो सकती है।